नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। बिजनौर में कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से पुलिस कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर निगरानी करेगी। कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान जिला मुख्यालय पौड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने देहरादून में बन रही एक और नई विधानसभा भवन निर्माण को लेकर राज्य सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि देहरादून में प्रस्तावित नई विधानसभा भवन को बनाए जाने के विरोध में कांग्रेसी गैरसैंण में धरना प्रदर्शन करके अपना विरोध दर्ज कराएंगे। टम्टा ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्यवासियों को एक स्थायी राजधानी तो दे नहीं सकी, मगर अब भाजपा सरकार नए विधानसभा भवन बनाने में अस्थायी राजधानी के मुद्दे को भटकाना चाह रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करेगी। प्रदीप टम्टा ने कहा कि पहले ही गैरसैंण में एक विधानसभा भवन बनाया हुआ है, अब दूसरे भवन की आवश्यकता राज्य में नहीं है। टम्टा आगे कहते हैं कि राज्य में अन्य विधानसभा बनाना प्रदेशवासियों की पैसे का दुरुपयोग होगा, जिसको कांग्रेस कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बेनाकुली, पगनाला, खचरूनाला, अमीमठ के पास राजमार्ग बाधित हो गए। राजमार्ग पर बड़े बड़े बोल्डर आने से राजमार्ग बाधित हुए हैं। देर रात से चमोली जिले में भारी बारिश हो रही है। राजमार्ग खोलने का काम लगातार किया जा रहा है। राजमार्ग अवरुद्ध और खुलने का सिलसिला लगातार जारी है। संभल में लगातार बुलडोजर गरज रहा है। यूपी एसआईडीसी की हजारों बीघा जमीन में कब्जा हटाने को लेकर एक दो नहीं पांच बुलडोजर पहुंचे। 500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों और अधिकारी कर्मचारियों की मौजूदगी में पूरा अभियान चल रहा है। गांव छापनी में तब्दील कर दिया गया। घर घर में पुलिस तैनात है। वहीं पूरे हालात पर ड्रोन से निगरानी भी रखी गई। पूरा मामला गुन्नौर थाना क्षेत्र स्थित यूपी एसआईडीसी की बबराला साइट का है, जहाँ गाँव नूरपुर के रकबे में हजारों बीघा जमीन किसानों का कब्जा है। दरअसल 1977 से अधिग्रहण के बाद टाटा कैंप के बाद कोई पूंजीपति साइट पर फैक्ट्री लगाने नहीं आया। योगी आदित्यनाथ सरकार में उद्योगपतियों को सुरक्षा और इंडस्ट्री लगाने का माहौल बनाने के बाद इधर कुछ उद्योगपतियों ने फैक्ट्री लगाने को जमीन खरीदी, मगर किसानों के कब्जे की वजह से बात आगे नहीं बढ़ सकी। प्रशासन किसानों से लगातार बात कर जमीन खाली करने की कवायद कर रहा था। कोई हल न निकलने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की। बिजनौर में सोशल मीडिया पर भाजपा के पूर्व सांसद के गिरने का वीडियो वायरल हुआ है। खेल उत्सव कार्यक्रम के दौरान लड़खड़ाकर औंधे मुंह गिरे पूर्व भाजपा सांसद भारतेंद्र सिंह। खेल उत्सव में दौड़ लगाने के दौरान पूर्व भाजपा सांसद गिर गए। बिजनौर के सहनपुर में खेल उत्सव कार्यक्रम हुआ था। हरदोई के बिलग्राम तहसील क्षेत्र में तेज रफ्तार मैजिक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं युवक ने जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी होते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। संभल में जेल से जमानत पर छूटकर आए बवाल के आरोपियों ने दर्जनों गाड़ियों संग जमानत का विजय जुलूस निकाला और लगातार ये वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। मामला कैला देवी थाने के गांव मूसा पर का है, जहां के बलवे के चार आरोपियों की जमानत हो गई, जिसके बाद दर्जनों कारों के साथ गांव में जुलूस निकालकर यहां पर हुड़दंग मचाया गया है। गाड़ियां ही गाड़ियां, हूटर ही हूटर गरजते हुए नजर आ रही थी। आपराधिक मामले विजय जुलूस पर शक्ति प्रदर्शन के दौरान यदि दूसरा पक्ष सामने आता तो बड़ा बवाल हो सकता था। वहीं इस मामले में बहजोई सीओ, यानी कि इस पूरे मामले में अपडेट सामने आ रहा है, इस पूरे मामले में बहजोई सीओ प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई की गई है। जिले में धारा 144 लागू है और इस तरह के जुलूस निकालने पर रोक है। उन्होंने बताया कि आरोपियों की जमानत निस्तारीकरण के लिए न्यायालय को रिपोर्ट सौंप दी गई है।
पड़ोसी देश श्रीलंका में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संकट देखने को मिल रहा है। कई महीनों से श्रीलंका में जनता को रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देश से भाग गए हैं और इसके विरोध में लोगों ने सरकारी संस्थानों पर हमले किए, उन पर कब्जे कर लिए हैं। ऐसी खराब स्थिति में अब श्रीलंका के केंद्रीय बैंक ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को खरीदने और ट्रेडिंग को लेकर जनता को आगाह किया है। सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका ने एक ब्लॉग पोस्ट में अपने नागरिकों को सतर्कता बरतने की सलाह देते हुए कहा है कि सीबीएसएल ने किसी फर्म को क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी योजनाओं को चलाने के लिए लाइसेंस या मंजूरी देने का आदेश नहीं दिया। साथ ही क्रिप्टो माइनिंग या क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए भी सीबीएसएल ने किसी तरह की अनुमति या मंजूरी नहीं दी है। सीबीएसएल ने ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट में चल रही क्रिप्टो योजनाओं के लिए भी श्रीलंकाई जनता को सतर्कता बरतने के लिए कहा है और संदेश दिया है कि किसी भी तरह के क्रिप्टो फ्रॉड से बचकर रहें जो उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि वैसे ही श्रीलंका में आर्थिक स्थिति पूरी तरह से खराब हो चुकी है। श्रीलंका के सेंट्रल बैंक ने बदहाल स्थिति के बीच निवेशकों को अधिक सजग रहने की एडवाइजरी जारी की और इस समय में और भी जरूरी हो जाता है जब क्रिप्टो स्कीमों में ज्यादा वित्तीय जोखिम देखने को लगातार मिल रहा है। इंटरनेट पर चल रही अलग अलग क्रिप्टो स्कीमों के झांसे में आए ऐसी बैंक लगातार श्रीलंकाइयों से अपील कर रहा है। वहीं कनाडा के रिचमंड हिल में स्थित एक हिंदू मंदिर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ की गई। पुलिस का कहना है कि इसकी जांच हेट क्राइम के रूप में की जा रही है। यॉर्क क्षेत्रीय पुलिस के अनुसार यॉन्ग स्ट्रीट और गार्डन एवेन्यू के क्षेत्र में विष्णु मंदिर के 5 मीटर ऊंची प्रतिमा को विरुप्त किया गया। दोपहर करीब 12:30 बजे अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया। यॉर्क रीजनल पुलिस की प्रवक्ता एमी ब्राउडे ने कहा है कि किसी ने ग्राफिक शब्दों के साथ मूर्ति को विकृत कर दिया। उनका कहना है कि मूर्ति पर खालिस्तान भी लिखा था। उन्होंने कहा कि यॉर्क क्षेत्रीय पुलिस किसी भी रूप में घृणा अपराध को बर्दाश्त नहीं करेगी। साथ ही कहा कि जो लोग नस्ल, राष्ट्रीय या जातीय मूल, भाषा, रंग, धर्म, उम्र, लिंग, लिंग पहचान, लिंग अभिव्यक्ति और इस तरह के आधार पर दूसरों को पीड़ित करते हैं, उन पर कानून की पूरी सीमा तक मुकदमा चलाया जाएगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी फॉर ह्यूमन एक्सीलेंस के पहले दीक्षांत समारोह में शिरकत की थी। वहां पर अपने संबोधन में उन्होंने कई मुद्दों पर विस्तार से बात की। धर्म परिवर्तन का भी जिक्र हुआ और जनसंख्या पर भी बड़ा बयान दिया गया। मोहन भागवत ने साफ कहा है कि सिर्फ जिंदा रहने ही जिंदगी का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। मनुष्य के कई कर्तव्य होते हैं जिनको निर्वहन उन्हें समय समय पर करते रहना चाहिए। इस बारे में वो कहते हैं कि सिर्फ खाना और आबादी बढ़ाना, ये काम तो जानवर भी कर सकते हैं। शक्तिशाली ही जिंदा रहेगा, ये जंगल का नियम है। वही शक्तिशाली जब दूसरों की रक्षा करने लगे, ये मनुष्य की निशानी है। इस समय देश में जनसंख्या को लेकर बहस चल रही है। कुछ दिन पहले ही यूएन रिपोर्ट में कहा गया कि जल्द ही भारत चीन को पछाड़ देगा। अब उस बीच मोहन भागवत का यह बयान मायने रखता है। उन्होंने अपने संबोधन में सीधे सीधे तो बढ़ती जनसंख्या पर कुछ नहीं बोला, लेकिन जानवर और इंसान का फर्क बताते हुए बड़ा संदेश दे दिया है। वैसे समारोह में संघ प्रमुख ने भारत के विकास पर भी काफी बात की। उनके मुताबिक पिछले कुछ सालों में देश ने काफी प्रगति की, काफी विकास देखा है। इस बारे में वे कहते हैं कि इतिहास की बातों से सीखते हुए और भविष्य के विचारों को समझते हुए भारत ने पिछले कुछ सालों में अपना ठीक विकास किया। अगर कोई 10-12 साल पहले ऐसा कहता तो कोई इसे गंभीरता से नहीं लेता। महादेव का प्रिय महीना शुरू हो चुका है। शिवजी को प्रसन्न करने के लिए भक्त पूरे भक्ति भाव से भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों में, शिवालयों में भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। इस बार सावन 14 जुलाई 2022 यानी कि आज से शुरू हुआ है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान भोले भंडारी का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक करने का विशेष महत्व है। कहते हैं अगर शिव जी को उनकी प्रिय वस्तु अर्पित की जाए तो वे हर मनोकामना पूरी करते हैं। मनीषा फल पान के लिए भोलेनाथ की पूजा में उनके पसंदीदा पुष्प चढ़ाने से कई लाभ मिलते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि शिव के प्रिय फूल के विभिन्न फायदे क्या हैं। शिव जी के प्रिय फूल और फायदे आपको बता रहे हैं। मदार अर्थित नीला या सफेद आवक के फूल चढ़ाने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और इस तरह से भगवान भोलेनाथ को सावन में फूल अर्पित करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर चमेली के फूल की बात करें तो चमेली चढ़ाने में घर में सुख समृद्धि आती है। अभिषेक के समय भोलेनाथ को चमेली का फूल चढ़ाने से वो बेहद प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा से वाहन सुख भी प्राप्त होता है। तो आज से सावन शुरू हो चुके हैं और आज सुबह से ही मंदिरों में भक्त पहुँचे हुए हैं और भोले भंडारी के दर्शन करते हुए, उनको मनाते हुए, जलाभिषेक करते हुए, रुद्राभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं।
और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।